याद रखना संत ब्राह्मण लाड प्यार करे चाहे रोज में आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दे उससे साधुते होए न कारज हानि, तुम्हारा किसी प्रकार का अमंगल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अमंगल करने का संतों का या ब्राह्मणों का स्वभाव ही नहीं होता है। अब अग्नि के सामने जाओगे तो ठंडी ठंडी एयर कंडीशन वाली हवा थोड़ी है, कितना भी प्रयास कर नहीं आया। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है गर्म गर्म दे दे। तो संतों का और ब्राह्मणों का स्वभाव है कल्याण करना। भगवान शिव का स्वभाव है कल्याण करना, मंगल करना। ऐसे ही संत ब्राह्मण रोष में बोले तो भी कल्याण होगा और खूब तुम्हारे सिर पर हाथ फेर करके बोले तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भले ही सृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, अब संसार की भाषा और संसार की दृष्टि में ये श्राप हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि या आध्यात्मिक सोच के हिसाब से ये श्राप नहीं, ये एक प्रकार से कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला आशीर्वाद ही तो है। मान लो तुम अपना जीवन व्यर्थ में गवा रहे और हमने आपको डांट करके फटकार करके कहीं सीधे रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया, तो क्या हम गलत हैं या आपके साथ हमने कुछ गलत किया? नहीं किया। तो देखो ठीक इसी तरह से सृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित के साथ किया, क्योंकि राजा भी संसार के चक्कर में पड़ करके वो भी ऐसे धर्मात्मा राजा जो पांडवों के वंशज हैं, अभिमन्यु और उत्तरा की संतान है। तो ऐसे राजा का जीवन कैसे व्यर्थ जा सकता है? तो सृंगी ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आज से ठीक सातवें दिन तुम संसार छोड़ करके चले जाओगे। तो सोचो कि राजा कितना भाग्यवान है, कितना सौभाग्यशाली है जिसे जाने से पहले सात दिन का समय मिल गया कुछ करने के लिए। हमें तो पता ही नहीं है कि आज हम आपको यहाँ द्वितीय दिवस में कथा सुना रहे हैं, कल पता नहीं सुना पाएंगे या नहीं सुना पाएंगे, इस बात की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है कि पूरी कथा सुना करके सात दिन आपको सुना करके यहाँ से प्रस्थान करें, अन्यथा गारंटी कोई नहीं है। क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। माना कि ये शरीर दुर्लभ है, इतनी आसानी से मिलने वाला मानव शरीर नहीं है, लेकिन दुर्लभ होने के बावजूद भी ये क्षण भंगुर है। एक क्षण में कब किसका शरीर भंग हो जाए, कब किसके साथ ये अनहोनी हो जाए, कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता है। लेकिन राजा को तो पता लग गया और पूरी पक्की मोहर लग गई, साइन हो गए कि अब यदि सात दिन से पहले यमराज भी हमें ले जाना चाहे तो भी लेकर के नहीं जा सकता, क्योंकि एक ब्राह्मण ने कह दिया, एक ऋषि कुमार ने, एक साधु ने कह दिया कि जाओ आज से ठीक सातवें दिन
तुम इस संसार से चले जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो देखो जब राजा को पता लगा तो राजा दुखी नहीं हुए। राजा ने सोचा कि 7 दिन तो बहुत है। अरे भाई जाने से पहले मैं अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता हूँ। कल की हमारी ट्रेन है तो आज पैकिंग करके और जो जो ले जाना है वो हम ले जा सकते हैं। लेकिन अभी तुरंत कह दिया जाए कि शुक्ला जी उठिए और आपको 10 दिन के लिए जाना है, सामने रोड पे गाड़ी खड़ी, तो सोचो कि शुक्ला जी को कितनी परेशानी होगी। 10 दिन के लिए जाना है और कोई कपड़ा नहीं, कोई बैग नहीं, कोई नित्य की जो सामग्री होती है खाने पीने की या फिर दवाई गोली इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं। अरे महाराज थोड़ा समय तो दीजिए, एक आध घंटे। अरे नहीं महाराज आपको अभी जाना है, इसी समय तुरंत बैठना है, तो कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। लेकिन राजा को 7 दिन मिल गए, बहुत बड़ी बात है। और हम लोग सोचते रह रहे हैं कि राजा तो 7 दिन में जाने वाले, हम तो जाएंगे नहीं। तो चलो मान लो कि राजा तो 7 दिन में जाने वाले हैं। अरे हमारे लिए कौन सा 8वां दिन बना है? यदि आप विचार करके देखोगे तो 7 ही तो बार होते, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। ये 7 ही बार तो होते, 7 दिन एक हफ्ता। तो देखो जीव आता भी इसी एक हफ्ते में है और जाता भी इसी एक हफ्ते के अंदर ही है। तो जैसे राजा इस हफ्ते के अंदर जाने वाले हैं, ऐसे हम भी जब भी जाएंगे तो आप देख लेना हफ्ता वही रहेगा। तो इसलिए जैसे राजा ने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया, ठीक उसी तरह से हमें भी अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। तो राजा ने कैसे किया? जब राजा को पता लगा कि 7वें दिन हमारी ट्रेन है, हमें जाना है, तो राजा की जो घर के प्रति, राजमहल के प्रति, पत्नी के प्रति, संतान के प्रति, जनमेजय पुत्र इत्यादि के प्रति जो ममता थी, जो मोह था, वो सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान हो गया कि वास्तव में असली सत्य यही है कि इस संसार रूपी घर में हम लोग सब किराएदार हैं, मालिक नहीं है। ये पंचायती धर्मशाला है, संसार या शरीर, जिसे एक न एक दिन छोड़ करके हमें जाना ही है। लेकिन हम हैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, कब्जा जमा करके बैठ जाते चाहे। इसके लिए हमें कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, कोई भी उपाय करना पड़े, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। लेकिन जाना सत्य है। तो देखो राजा ने सुंदर उपाय किया, राजा ने मोह ममता छोड़ी और अपने पुत्र जनमेजय को राज्याभिषिक्त करके राजा शुक्र ताल में माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर जाकर के विराजमान हो गए। अब जैसे जैसे संसार में खबर मिली, खबर फैली कि ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित हमारे बीच से हमें छोड़ करके चले जाएंगे, तो देखो कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो, कोई ईमानदार या सज्जन व्यक्ति हो, यदि वो हमारे बीच से जाता है या उसके अप्रिय की कोई खबर सुनाई दे देती है तो सबको दुख होता है।
तो सारे संसार को दुख हुआ, सारे संसार में बड़े बड़े महापुरुषों को दुख हुआ, और बड़े बड़े महापुरुष राजा के पास राजा को सांत्वना देने के लिए जाने लगे। तो देखो एक दो या चार महापुरुष नहीं, कम से कम 20-25 हजार बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े कमलात्मा, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनीन्द्र जाने लगे, राजा को समझाने लगे। तो राजा एक ही बात कह रहे हैं कि महाराज मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, मेरा तो केवल एक ही प्रश्न है। तो जो राजा का प्रश्न है वही वास्तव में सारे संसार के हर जीव का प्रश्न है। राजा का प्रश्न क्या है? राजा का प्रश्न है कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्तेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, किम कर्तव्यम् म्रियमाणस्यम्, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम संसार से कब चले जाएं। आज भी जा सकते हैं, अभी तुरंत जा सकते हैं, और कल भी जा सकते हैं, या 10-20 दिन या 10-20-100 वर्ष बाद भी जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं है। इसलिए जाने से पहले हमें अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। मुख्य बात ये है, क्यों कर लेना चाहिए? अरे महाराज, अभी क्या जरूरत है? अभी तो हम जवान हैं, अभी तो केवल 35 वर्ष के हुए हैं, 40 वर्ष के हुए हैं, अभी तो केवल 50 वर्ष के हुए हैं। अरे अभी तो महाराज खाने पीने की मौज मस्ती करने की, आनंद लेने की, घूमने फिरने डोलने की उम्र है, और आप कह रहे माला लेकर के बैठ जाओ, कथा सुनने 4 घंटे बैठ जाओ। अरे कर लेंगे, जब जाएंगे तो समय आएगा, 80 वर्ष के बाद में फिर कर लेंगे, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। लेकिन महाराज पहले कम से कम 80 वर्ष के तो हो जाएं, क्योंकि 100 वर्ष तक तो हमें जीना ही है। तो भैया क्या गारंटी है आज के समय में 100 वर्ष तक कौन जी रहा? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि भगवान का स्मरण, कहते हैं कि अंतमति सो गति, भगवान का स्मरण भी अंत समय में उसी को होता है जो बचपन से या युवावस्था जवानी से ही भगवान की सेवा पूजा भक्ति या कथा सुनता है। अन्यथा पागल नहीं हो गए ये ऋषि मुनि? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। यदि तुम इस चक्कर में बैठे हो, बूढ़े हो जाएंगे, मरने से 2-4 साल पहले भजन कर लेंगे तो संभव नहीं है। पहली बात तो आजकल बूढ़ा हो गए, संभव नहीं हो पा रहा है। कितने लोग तो 60-70 में चले जाते हैं, 100 वर्ष तो बड़ी दूर की बात है। ये 100 वर्ष तक तो पुराने लोग जो बढ़िया खाए पिए और जिन्होंने साधु संतों की, गैयाओं की, ब्राह्मणों की सेवा करी है, वो लोग तो संसार रूपी इस पिच के ऊपर 100 रन बना जाते हैं। अन्यथा शतक लगाना आजकल इतना आसान नहीं रहा। कोई 70 पे आउट हो जाता है, कोई 80 पे चला जाता है, कोई 85 में आउट हो जाता है,
और कई लोग तो 98 और 99 पे भी आउट हो जाते हैं। तो कितना दुख होता है यार, एक ही रन तो कम रह गया, यदि हो जाता तो शतक लग गया। तो याद रखो, हमें भी कथा के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। आज ही हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि हमें कल का कोई भरोसा नहीं है। तो कल्याण का मार्ग आखिर है क्या? कल्याण का उपाय आखिरकार है क्या? ये जानने का प्रयास करना चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषि, भैया ये उस समय की बात है, कल्याण भी इतना आसान नहीं है। जैसे ही राजा ने कहा कि महाराज मैं सातवें दिन चला जाऊंगा, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जीवन सार्थक हो जाए, कल्याण हो जाए, फिर से पुनरपि जननी पुनरपि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से इस संसार के कुचक्र में न पड़ना। तो देखो ऋषि मुनि भी आंखें चुरा लिए, मुंह नीचे कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि हजारों लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उन्हें तो अभी तक पता नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। और ये राजा केवल सातवें दिन कल्याण की कामना कर रहा है, केवल सात दिन। अब होगा या नहीं होगा, किसी के पास कोई गारंटी तो है नहीं। और जब गारंटी वाला माल नहीं है तो फिर गारंटी दे। तो ऋषि मुनियों ने नजरें चुराई, सर झुकाया, क्योंकि राजा का प्रश्न ही ऐसा है, उसका उत्तर देना या उपाय बताना इतना आसान काम कहां है। हे राजन, हमें माफ करना, क्योंकि आप जिस रोग की दवाई चाहते हो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। भगवान का भजन करने से कल्याण होता है, कथा सुनने से कल्याण होता है, योग करने से, सेवा करने से, साधना करने से कल्याण होता है, लेकिन कितनी मात्रा में करने से होता है, कितने दिन में होता है, कब होता है, इस बात का किसी को पता नहीं है। क्योंकि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये भगवान के हाथ में है। तो महाराज, अब हम आपको क्या बताएं, कैसे समझाएं? तो देखो, जब भी भगवान के भक्त के जीवन में किसी प्रकार का कोई ऐसा संकट उपस्थित होता है तो भगवान ही समस्या का समाधान करते हैं, भगवान ही उसका हल करते हैं। जब राजा परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे तो भी तो राजा के जीवन में संकट आया था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, तो भगवान ने अपने आप को अंगुष्ठ मात्र का बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और फिर अंदर जा करके ऐसी गदा घुमाई कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का जो तेज था उसे नष्ट कर दिया। तो उत्तरा के गर्भ में भी जाकर के भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करी। क्यों करी? क्योंकि भगवान की ये प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है भगवान की? भगवान की प्रतिज्ञा है कि अपिचेष्टु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्मतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः।
क्षिप्रम भवत धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति और कौन्तेय प्रतिज्ञानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। कोई कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी भ्रष्टाचारी हो, लेकिन यदि आज उसके मन में प्रायश्चित करने की आ गई है, उसे ऐसा लग रहा है कि हे प्रभु, मैंने अब तक जो कुछ किया वो गलत किया, अब आगे से मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, अब खाई तो खाई, आगे राम दोहाई। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं, बेटा तुमने 20 साल तो इतने पाप किए, इतने अत्याचार दुराचार किए, और आज तू मेरे पास आया है और कह रहा है कि ये सब महाराज बराबर कर दो, माने इतना उधार तू ले गया है और बिना पेमेंट किए साफ कराना चाह रहा है बिना भोग। तो देखो भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कि भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम संकल्प ले लो तो मैं तुम्हारे, चाहे तुमने 20 साल पाप किए, चाहे तुमने 30 या 40 वर्ष पाप किए, और पाप कर्म करने के बाद यदि तुम मेरे सामने आकर के कह दो कि हे गोविंद भजते माम अनन्य भाव, हे गोविंद अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से आप मेरे हैं और मैं आपका, अब मेरे से किसी प्रकार का कोई अपराध होने की गुंजाइश ही नहीं। तो देखो भगवान की दया, भगवान तुम्हारा पिछला हिसाब सब बराबर कर देते हैं, और उसी समय तुम्हें भगवान साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। जब संसार में कोई काम नहीं आता, संसार में जब कहीं भी हमारी व्यवस्था नहीं होती, तो फिर भगवान ही वास्तव में हमें व्यवस्थित करते हैं, और उसी समय भगवान उसे साधु रेव समर्पतव्य, ये साधु ऐसा मान लेते हैं। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, कल नहीं, दो घंटे बाद नहीं, अभी इसी समय क्षिप्रम भवत धर्मात्मा, माने ये धर्मात्मा है, सस्वत शांतिम निगच्छति, एक दिन रहने वाली, दो दिन, चार दिन रहने वाली शांति नहीं, सदा सर्वदा शाश्वत रहने वाली शांति भगवान से प्रदान कर देते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय प्रतिज्ञानी हे नमे भक्त प्रणश्यति, ऐसे मेरे भक्त का कभी नाश होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैं होने ही नहीं। तो अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की प्रतिज्ञा है, यदि तुम कथा सुन रहे हो, भगवान का भजन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, साधु संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा करते हो, तो निश्चित ही भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, भगवान तुम्हारा योग क्षेम वहन करेंगे। और कई बार हमें जीवन में ऐसी अनुभूति होती है, हर जीव के जीवन में न जाने कितनी बार ऐसा समय आता है जब न कोई मित्र काम आता है,
न कोई रिश्ता नाता काम आता है और ना ही ये संसार काम आता है। तो ऐसी अवस्था में द्रौपदी के साथ में क्या, द्रौपदी कौरवों की कुत्सित सभा में निर्वस्त्र की जा रही है, लेकिन द्रौपदी ने सोचा कि यहां भीष्म पितामह बैठे हैं, तो शायद पितामह एक बार सिंह की तरह यदि गर्जना कर देंगे ना, हे दुशासन तेरी इतनी मजाक, तेरी इतनी हिम्मत कि हम यहाँ सभा में बैठे और हमारे सामने ये दुराचार कर रहा है, तो दुशासन की क्या हिम्मत कि मुझे निर्वस्त्र कर पाए। तो द्रौपदी को आस थी और सबसे पहले द्रौपदी ने भीष्म पितामह की तरफ देखा, लेकिन भीष्म पितामह ने भी द्रौपदी से नजरें चुराई और सिर झुका करके बैठे। फिर द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कृपाचार्य की तरफ देखा, अश्वत्थामा की तरफ देखा, बड़े बड़े वीर बड़े बड़े महाबलियों की तरफ देखा, कोई काम नहीं आया। फिर अपने पतियों की तरफ देखा, युधिष्ठिर की तरफ देखा, भीमसेन की तरफ देखा, अर्जुन की तरफ देखा, नकुल और सहदेव की तरफ देखा, लेकिन पति भी काम नहीं आया। और भी चारों तरफ सभा में दृष्टिपात किया कि कोई आकर के मेरे काम आए, कोई आकर के मेरी रक्षा करे। तो देखो संसार के सहारे द्रौपदी ने भी बहुत ढूंढे, लेकिन संसार काम नहीं आया। और जब संसार काम नहीं आया, संसार का कोई सहारा काम नहीं आया, तो फिर आप जानते हैं कि द्रौपदी ने अंत में क्या सहारा ढूंढा। हे कृष्ण द्वारिका वासी देव देव जगत पति, हे कृष्ण हे द्वारिका वासी कृष्ण, आप आकर के मेरी रक्षा कर। तो देखो भगवान को आने में थोड़ा सा विलंब हो, भगवान ने रक्षा तो करी लेकिन थोड़ा सा विलंब हो। अब विलंब क्यों होगा? इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। हमारे जीवन में दुख दर्द आते, क्लेश आते, संकट आते हैं, हम भगवान से सालों भर प्रार्थना करते और तब जाकर के भगवान कभी सुनते हमारे। तो अब आप सोचोगे यार भगवान इतनी देर क्यों लगाते, भगवान इतना विलंब क्यों करते हैं? जब हम पुकारते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान उसी समय तुरंत हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं करते? तो देखो इसमें भी भगवान की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसमें भी हमारी अपनी ही गलती है। क्यों? क्योंकि संसार के सहारे ढूंढते 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 हम लोग वर्षों व्यतीत कर देते हैं, लेकिन भगवान को पूरी तरह से समर्पित नहीं होते। जिस भाव से प्रार्थना करनी चाहिए,
उस भाव की जागृति हमारे अंदर नहीं हो। भगवान को बुलाते तो हैं, लेकिन ऊपर वाले मन से बुलाते हैं, भीतर वाले मन से नहीं बुलाते। द्रौपदी ने भगवान को बुलाया तो सही, लेकिन पहले संसार के सहारे ढूंढे और फिर भगवान को बुलाया तो कह दिया कि हे कृष्ण द्वारका वासी। तो भगवान को द्रौपदी के हृदय से निकल करके और द्वारका में जाना पड़ा। भाई द्वारका जाएंगे तभी तो द्वारका वासी बने। दो चार सेकंड वहां रुकना पड़ा, रहना पड़ा और फिर द्वारका वासी द्वारका धीश बन करके आए, क्योंकि द्रौपदी ने कहा है कि द्वारका वासिन कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो भगवान चाहते तो बहुत पहले ही रक्षा हो जाती, लेकिन थोड़ा सा विलंब इसलिए हो गया क्योंकि द्रौपदी ने द्वारका वासिन कहा। कई बार हम लोग इतना लंबा मार्ग चुन लेते हैं कि जिस मार्ग से हमें हमारी मंजिल कम से कम 10 घंटे बाद मिली है, और कई लोगों को उस मंजिल का मार्ग ऐसा शॉर्टकट पता होता है कि 4 घंटे में पहुंच जाते, और कई लोग 2 घंटे में भी पहुंच जाते, और कई लोग 1 घंटे में भी पहुंच जाते। मंजिल वही है, लेकिन साधना के प्रार्थना के रास्ते सबके अपने अपने प्राइवेट निजी अलग अलग हो। तो देखो आज द्रौपदी की रक्षा करने के लिए द्वारकाधीश चले आए, और फिर द्रौपदी का चीर द्रौपदी की साड़ी बन गए। दुशासन खींचते 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 दुशासन की भुजा भर गई, थक गया, हार गया, हाँफी देने लगा, पछाड़ खा करके धम से गिर पड़ा। लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका, तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षा करी। कहने का तात्पर्य यही है कि नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्त का योग क्षेम वहन करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि न अन्य इति अनन्य, भगवान की अनुभूति या भगवान हमारी रक्षा करने जल्दी क्यों नहीं आता। इसका एक कारण ये भी है कि कभी तो हम राम जी के हो जाते, कभी श्याम जी के हो जाते, कभी हनुमान जी के हो जाते, कभी दुर्गा मैया के, और कभी गणेश जी के, कभी लक्ष्मी मैया की याद आती है क्योंकि धन चाहिए, और कभी गुरुद्वारे में भी चले जाते, और कई बार तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि मजार इत्यादि में भी जाने लगते, और कई बार ऐसी बुद्धि भ्रमित होती है न जाने कितने पीर पीरों के पास जाएंगे कि ये बड़े जादू करते, बड़े टोने करते, बड़ा ऐसा करते, बड़ा वैसा करते, तो चलो इनके पास जाकर के माथा टेक। तो मन दुखता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होए, एक ही दर को है रहे तो दुर दुर करे कोई। जो कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है,
उस कुत्ते को नहलाया भी जाता है, शैम्पू साबुन लगाया जाता है, बढ़िया उसकी कटिंग वटिंग भी कराई जाती है, उसे साथ सुलाया बिठाया खिलाया भी जाता है, और यहाँ तक कि हमने अपनी आंखों से देखा, इसलिए सुनी सुनाई बात पे हम बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। जिस गाड़ी को खरीदने के लिए या जिस गाड़ी में चलने के लिए हमारे जैसे लोगों को न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इतने इतने करोड़ की गाड़ियों में कुत्तों को चलते हुए हमने देखा है। क्यों? क्योंकि एक ही दर को है, वो एक ही दर का कुत्ता है। यदि वो दूसरे के दर पे भी जाके खाने लग गया, गली में भी घूमने लग गया, कहीं रोड में आवारागर्दी करने लग गया, तो फिर मालिक उसे रखेगा नहीं, फिर उसे उतने करोड़ की गाड़ी चलने के लिए मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर तो वो आवारा कहलाएगा। तो जो आवारा हो जाते हैं, जो दर दर भटकते हैं, जिन्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं, जिन्हें अपने मालिक पर विश्वास नहीं, जो दर दर जाकर के टुकड़े खाते हुए फिरते, समझ लो कि उनकी वही दुर्दशा हो। और फिर सोचते हैं कि राम जी काम नहीं करते, कृष्ण जी काम नहीं करते, दुर्गा मैया काम नहीं करती। अरे ठीक से पहले उनके किसी एक के होकर के बन करके तो देखो, दो दिन इधर, दो दिन इधर, चार दिन उधर, तीन दिन उधर, इस तरह से सारा जीवन हम लोग व्यतीत कर देते हैं, कभी किसी एक के होते ही। भगवान प्रतिज्ञा उसी भक्त के लिए कर रहे हैं कि न अन्य इति अनन्य, जिसकी दृष्टि में संसार में भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। माने यदि हम राम जी को मानने वाले हैं तो हमारे लिए हमारे सीता राम जी से बड़ा भगवान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है ही नहीं। ऐसी दृढ़ निष्ठा जिस दिन हमारी हो जाएगी, सत्य मानो कि तुम्हारा योग क्षेम वहन भगवान करेंगे। तुम्हारे पास संसार में जो नहीं है वो भगवान देंगे, और फिर देने के बाद तुम्हारी और तुम्हारी हर वस्तु या पदार्थ की रक्षा भी भगवान स्वयं करेंगे। लेकिन पहले ऐसी दृढ़ निष्ठा अपने अंदर पैदा करो। श्री तुलसीदास जी महाराज का ही स्मरण कर कर, श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, सी राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जुगबानी। कन्हैया का तो नाम ही नहीं, दुर्गा मैया का तो स्मरण ही नहीं किया। श्री तुलसीदास जी के लिए तो श्री राम जी ही सब कुछ हैं, मैया जानकी ही सब कुछ है। एक बार श्री तुलसीदास जी ब्रज में पधारे, क्योंकि श्री तुलसीदास जी बहुत ज्यादा पुराने समय के नहीं है, कली काल के ही, न जाने और कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए कली काल में। तो श्री तुलसीदास जी ब्रज भूमि में पधारे कि चलो जाकर के देखें तो सही, आखिरकार ब्रज में है क्या। तो देखा तो बड़ी भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है, चारों तरफ नर नारियों के बड़े बड़े झुंड दिखाई दे रहे हैं।
पता किया कि आखिरकार ये यहाँ आकर के करते क्या है, तो देखा कि यहाँ आकर के ये सब लोग गोल गप्पे खाते, टिक्की खाते, बढ़िया लस्सी पीते हैं, बर्गर खाते, पिज्जा खाते, और आजकल वो चल रहा है चीला, तो चीला भी खाते हैं, और फिर बाद में जाकर के बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। तो चलो कम से कम दर्शन करते तो हैं। कन्हैया के नाम पर, बांके बिहारी के नाम पर इतने लोग आते तो हैं वृंदावन। तो जाकर के हम भी देखें कि आखिरकार कैसे दर्शन होते। तो देखो श्री तुलसीदास जी महाराज कन्हैया के दर्शन करने के लिए जब गए, तो श्री तुलसीदास जी महाराज एक टक होकर के कन्हैया को देख रहे हैं। कन्हैया भी तुलसीदास जी को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा भक्त कन्हैया को चाहिए वैसा सामने खड़ा है। सब लोग बांके बिहारी लाल की जय, किशोरी राधिका रानी की जय, बांके बिहारी के दरबार में जय जयकार गूंज रही है, बड़ा सुंदर जय घोष हो रहा है। और श्री तुलसीदास जी एकदम मूक दर्शक, एकदम गूंगे बहरे बन करके खड़े हुए हैं। तो बांके बिहारी कह रहे हैं, अरे भैया कम से कम हमसे बात करो, हमसे राम राम करो। अब इतनी दूर से मिलने के लिए आए हो तो मिलो तो सही। तो देखो श्री तुलसीदास जी ने कन्हैया को क्या उत्तर दिया। ये सारी चीजें नोट करने वाली चीजें हैं। क्या छबि बरनू आपकी, भले बने हो ना, हे गुरु हे गोपाल हे बांके बिहारी, क्या क्या छबि बरनू आपकी, भले बने हो। बहुत सुंदर अद्भुत। दिव्य दर्शन है, जिस दर्शन को पाने के लिए सारा संसार वृंदावन दौड़ता है। क्या छबि बरनू आपकी, भले बने हो ना। लेकिन महाराज एक बात हमारी भी नोट, तुलसी मस्तक तब नमे, ऐसी अनन्यता जिस दिन हमारे अंदर आ जाए कि बांके बिहारी श्री तुलसीदास जी से स्वयं कह रहे हैं कि बेटा हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम हमारे सामने खड़े, हमसे बात नहीं कर रहे, हमसे राम राम नहीं कर रहे, प्रणाम नहीं कर रहे, आखिरकार क्यों? तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि देखो आप बड़े अच्छी बात,
लेकिन अपने लिए हो महाराज, बहुत अच्छे लेकिन अपने लिए। यदि आप चाहते और जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान तो केवल एक ही, दो भगवान तो है, इसीलिए तो हमारे वेदांती लोग अद्वैत सिद्धि करते हैं। एक कहेंगे तो दूसरा हो सकता है, लेकिन अद्वैत कहेंगे, अद्वैत माने दूसरे का विकल्प ही नहीं है, दूसरा है ही नहीं। एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। तो यदि ये सत्य है तो फिर आप कहां से आ गए महाराज? हमारी दृष्टि में तो केवल हमारे सियाराम। यदि आप चाहते हो कि तुलसी का मस्तक आपके चरणों में झुके और भगवान एक ही है, दो नहीं, तो तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले हाथ, धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाओ निश्चित ही, जैसे डंडा गिर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हम आपके चरणों में गिर पड़ेंगे। तो देखो बांके बिहारी रमण बिहारी को अपनी वेणी का त्याग करना पड़ा, अपने वस्त्रों को भी बदलना पड़ा, अपने स्वरूप को भी बदलना पड़ा, और फिर धनुष बाण हाथ में लेकर के माने राम जी बन करके दर्शन दिए। तब श्री तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, आशीर्वाद। तो ये है अनन्यता, न अन्य इति अनन्य। इसलिए देर होती है क्योंकि हम लोगों के अंदर अनन्यता तो है ही, भटकते रह रहे कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी। तुलसीदास जी के अंदर अनन्यता है। द्रौपदी ने भी देर की, लेकिन उत्तरा ने देर नहीं की। उत्तरा ने देर नहीं की, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा चाहती थी अर्जुन को भी बुला सकती थी, युधिष्ठिर को भी बुला सकती थी, भीमसेन नकुल सहदेव को भी पुकार सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि उत्तरा जानती है कि भगवान तो भगवान है, इसलिए उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, सीधे द्वारिका जा रहे श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और अपने हृदय की जो सच्चाई है वो बता। तो भगवान ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया, भगवान ने तुरंत उत्तरा के घर घर की रक्षा की। तो हम लोग भी यदि चाहें कि हमारी भी रक्षा भगवान तुरंत कर, अभी कर, जब जब हमारे जीवन में संकट आए तब तब करें, तो माता कुंती का जीवन भी आपको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि माता कुंती के जीवन में या पांडवों के जीवन में जब जब संकट आया तब तब कन्हैया ने रक्षा की, उसके पीछे माता कुंती की अनन्यता है। एक बार की बात है, जब कन्हैया द्वारका जा रहे थे तो बड़े प्रसन्न थे, और प्रसन्नता जब होती है तो सच मानो सब कुछ लुटा देने का मत करता है, सब कुछ
माने अपने आप को भी मैं इनके ऊपर वार दूं, यहाँ तक मन करता है, तो जो अपने आप को ही वारने का मन कर रहा है, तो फिर संसार और संसार के विषय वस्तु पदार्थ कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लुटाया तभी जाता है जब मन विशाल होता है। कहते हैं कि लुटाता वही है जो बड़े दिल वाला होता है। कथा में भी हम लोग एक ही दिन लुटाते और लूटते, कौन से दिन? चौथे दिन। क्यों? क्योंकि चौथे दिन हमारा मन बहुत विशाल हो जाता। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे जीवन में साक्षात श्री कृष्ण नंद के लाला बन करके प्रकट हो जाते हैं, इसलिए हमारा मन जो है विशाल हो जाता है, महामना हो जाता है, और फिर लुटाने का और लूटने का मन करता है। तो आज जब भगवान द्वारका जा रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हैं, तो आज भगवान ने सोचा कि कुछ लुटा करके दे। अब क्या लुटा करके जाए? तो सभी पांडवों से कहा कि देखो भाई, आज हम बड़े प्रसन्न हैं, आज हमारा कुछ देने का मन कर रहा है, लुटाने का मन कर रहा है, तो आप सब लोग लूट, जिसको जो चाहिए वो मांग। लाइन लग गई। युधिष्ठिर जी ने जो मांगा मिला, भीमसेन ने तो यही कहा कि प्रभु आप तो जानते ही हैं कि मुझे तो सारा संसार भोजन भट्ट के नाम से जानता है, थोड़े बहुत से मेरा काम चलता नहीं है, और दूसरा मेरे पास मधुर बोलने वाला और गाने वाला कंठ भी नहीं है, गधे की तरह मैं रेंगता हूँ। तो महाराज, एक तो हमारी वाणी मधुर हो जाए और दूसरा ये भोजन के ऊपर थोड़ा कंट्रोल हो जाए, बाकी तो आपकी कृपा है ही। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए भीमसेन को कहा, ठीक है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहते। अर्जुन ने भी भगवान से शिष्यत्व मांगा, शिष्यत्व हम साथ हैं, मां त्वां प्रपन्नः। भगवान ने आशीर्वाद, नकुल ने मांगा, सहदेव ने मांगा, सब अब पांडवों के साथ में सुभद्रा भी, तो सुभद्रा से भी कहा, अरे लाली तू का देख रही है, आज हम बड़े प्रसन्न हैं, तू भी मांग। तो देखो जो सच्चे पारखी होते हैं, माने हीरे की परख जौहरी ही जानता है। एक राजा का दरबार लगा हुआ था, उस दरबार में राजा सबको वरदान दे रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर फल फूल बांटे जा रहे हैं, राजा बड़े प्रसन्न है। तो उसी सभा में जब सब फल लेकर के आशीर्वाद लेकर के अपनी कामना पूरी करके चले गए, तो अंत में इतनी छोटी सी बच्ची आई, और जैसे ही राजा ने फल लेकर के उस बच्ची की तरफ किया, कुछ सोने की मोहरे लेकर के किया, तो बच्ची ने राजा की आंखों से आंखें मिलाई और इशारा कर दिया, बोले नहीं, मुझे न फल चाहिए न ये सोने की मोहरे चाहिए। तो राजा ने पूछा, बोले बेटा था तो फिर क्या चाहिए? एक आध बोरी कटरा भरवा देता मैं तो सोने का, लेकिन तू इतनी छोटी है कि वो तू लेकर के जा नहीं सकती।
तो तुझे क्या चाहिए। तो बच्ची ने कुछ बोला नहीं और थोड़ा सा और आगे बढ़ गई और जा करके सीधी राजा की झपकी भर ली। जैसे हमारा अपना बालक हमारी कमर पकड़ कर लिपट जाता। हे राजा साहब, मुझे तो केवल आप चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यदि आप बने रहेंगे तो कभी फलों की, सोने की, चांदी की कमी नहीं होगी। और आपको छोड़ करके यदि मैं आज एक फल लेकर के या दो चार मोहरे लेकर के चली जाऊंगी तो मुझे पता है कि किससे जीवन कटने वाला नहीं। असली हीरे की परख जौहरी जानता है। तो जब सुभद्रा से कहा कि अरे लाली तू भी मांग ले बेटा, तू भी मांग, तो सुभद्रा की आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो गए। और सुभद्रा ने जो भगवान से मांगा वो सुनने लगा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विसतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कभवात पितये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्य कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्य हे कृष्ण, हे द्वारिकावासी, हे केशव, हे गोपाल, हे द्वारिकाधीश, मैं आपसे क्या मांगूं? मुझे तो ऐसा विश्वास है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। हे कृष्ण, तुम्हारे ये जो चरण कमल है ये एक प्रकार से पिंजरा है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, ये जो तुम्हारे पाद पद्म है, ये जो तुम्हारे चरण कमल है, ये एक पिंजरा है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो मेरे अंदर जो मन है, जो मुझे सारे संसार में खींच करके इधर से उधर भटकाता हुआ फिरता है, ये मेरा मन रूपी राजहंस है या तोता भी कह सकते हैं। तो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, तो हे कृष्ण, मैं चाहती यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो आप अपने चरण रूपी पिंजरे के अंदर मेरे मन रूपी राजहंस को या मेरे मन रूपी तोते को आज ही नहीं, दो घंटे बाद नहीं, अभी इसी समय इस चरण रूपी पिंजरे में कैद कर दो। क्यों? क्योंकि बाद का कोई भरोसा नहीं, ये मन बहुत चंचल है, भटक गया। संसार भी ऐसे ही है, संसरति इति संसार, ब्रज की रज। आप ऐसे उठाओ मुट्ठी बंद करो
और एक आध मिनट बाद मुट्ठी खोल के देखो तो दो चार दाने मुट्ठी में नजर आएंगे, सारी मुट्ठी अपने आप खाली हो जाती है, गायब हो जाती है, सब इधर उधर से निकल जाती है। तो ऐसे ही ये संसार है। अभी देखा हमने कि यहाँ हमको सांप दिखाई दिया और जैसे ही पलक झपका तो यहाँ सांप है, ऐसे संसार है। फिर सांप को ढूंढते फिर रहे, इधर घुस गया कि इधर घुस गया कि इधर से ये सामान उठा वो उठा, अरे भैया सांप कहाँ गया? सांप जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम सो नहीं सकते, क्योंकि हम सो गए और बाद में सांप काट गया। तो संसार भी बिल्कुल ऐसे ही सांप की तरह, ब्रज की रज की तरह, पता ही नहीं लगता कब निकल गई कब निकल गया, कब फिसल गई कब फिसल गया। संसरति इति संसार फलम सरति, इस संसार में चाहे केला हो चाहे सेब हो चाहे अनानास हो और चाहे कोई खाद्य पदार्थ इत्यादि हो, चाहे वस्त्राभूषण हो, चाहे माल मटेरियल कोई भी हो, सबकी एक अवधि है। जब उसकी अवधि पूर्ण हो जाती है तो फिर वो नष्ट हो ही जाता है। तो महाराज ये मन भी इतना चंचल है कि मुझे बाद का विश्वास नहीं भरोसा नहीं, इसलिए अद्यैव मे विशत मानस राजहंस, कल या दो घंटे बाद नहीं अभी इसी समय मेरा मन रूपी राजहंस, मेरा मन रूपी तोता आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में जा करके बैठ जाए और फिर उस पर ताला लग जाए, जीवन भर उसमें से कभी निकल नहीं पाए। मैं तो केवल यही वरदान मांगना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कंठावरोधन विधौ स्मरण उत्सते। यदि आप कहो अरे लाली अभी तो तेरे में आऊं ना है, अभी तू ऐसी बाबरी हो रही है हमारी, अरे अभी तो शादी ब्याह हो वो फिर संसार दुनियादारी देख करके जब उम्र बड़ी हो जाएगी तब ऐसी कामना कर लेना, तब दे देंगे आशीष। तो सुभद्रा ने कहा बोले नहीं मुझे विश्वास नहीं, क्यों? क्योंकि कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, ये मन बहुत चंचल भटक जाता है सरक जाता है। और फिर वैसे भी बुढ़ापे में तीन घंटे चार घंटे कहां बैठा जा जाता है, ये फटने लग जाता है, घुटनों में दर्द होने लग जाता है। और यदि हम झूठी बात कह रहे हो तो सामने हमारे श्री शुक्ला जी बैठे हुए हैं और अवस्थी जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लेना कथा के बाद में कि इस अवस्था में कितनी देर बैठा जाता है आसन लगा के भगवान की। कभी घुटने में भयंकर दर्द है, कभी जंघा में बड़ी तीखी कटारी सी चल रही है, कभी कमर दर्द कर रही है, कभी पांव में झुकर और कबू झुकर और कबू कबू तो ऐसे होता है कि व्यास जी के सामने जो लम्बो कर देते हैं, जो ले महाराज सुना कथा। तो कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, बुढ़ापे में तो महाराज ये दशा, बुढ़ापे में कहीं आपका भजन होता है? अरे भूल जाओ महाराज, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। बुढ़ापा तो एक श्राप है, बुढ़ापा तो बीमारी है। प्रार्थना तो ये करो कि बुढ़ापा देखना ही न पड़े, बुढ़ापे से पहले ही राम राम खटते हुए आनंद लेते हुए आनंद में लीन हो जाओ, जाना तो है।
और आप कह रहे हो कि बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में तो महाराज न शरीर से बैठा जाता है, न ठीक से खाया पिया जाता है, और ना ही कुछ गाया जाता है, ना ही कुछ ठीक से बोला जाता है, और ऐसी अवस्था हो जाती है कि प्राण नहीं निकलते, लेकिन दर्द बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है, और कुछ कहना भी चाहे तो कंठावर और धनमित हो, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में कब वात पित्त इत्यादि इतना अधिक हो जाता है, बोला नहीं जाता है, और ऐसी अवस्था में आपका स्मरण हो जाए, कैसी बात कर रहे हो महाराज, संभव ही नहीं है। इसलिए मैं तो वरदान देना चाहते हो तो आज ही ये वरदान चाहा, तो भगवान ने सुभद्रा को वरदान दिया। सबसे लास्ट में माता कुंती का नाम आ रहा है। माता कुंती को देख करके भगवान भी हपक हपक कर रो पड़े, अरे युवा तेरा तो सारा जीवन दुख दर्द में ही व्यतीत हो गया, आज तू मेरे से कुछ ऐसा मांग जिसे देने के बाद मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो। तो कुंती मैया ने कहा कि हे गोविंद हे गोपाल, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मैं तो केवल एक ही वरदान की कामना कर रही हूं। कौन सा वरदान? कि मेरे जीवन में एक दुख जाए नहीं, उससे पहले चौखट पे दूसरा आ जाए, कि ये इधर से निकला तो दूसरा आ गया। तो भगवान और ज्यादा रोए, अरे बुआ पागल हो गई है, ऐसे कोई वरदान मांगता है? सारी दुनिया तो इस फिराक में बैठी है कैसे भगवान से आशीर्वाद मिले, धनवान होने का, वैभवशाली होने का, सुख समृद्धशाली होने का, और तू ऐसी बावरी हो गई है कि उल्टी सीधी बातें कर रही है, कह रही है कि एक दुख जाए नहीं दूसरा उससे पहले आकर के खड़ा हो जाए। अब ऐसा वरदान मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि तूने अपने संपूर्ण जीवन में सुख तो कभी देखा ही नहीं, फिर भी दुख मांग रही है, ऐसा वरदान मैं तुझे नहीं दे सकता। तो देखो मैया कुंती ने कहा कि हे गोविंद हे द्वारिकाधीश, मुझे ऐसा ही वरदान चाहिए। क्यों? तो देखो कितना सुंदर कारण भी बताया। माता कुंती भगवान से दुख मांग रही है, इसका एक रीजन है, कारण सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जान बलिहार द्वारिकाधीश, आप आज मुझे धन वैभव राज दे करके चले जाओगे, लेकिन आप जानते नहीं कि ये संसार के धन दौलत में वैभव में सुख में समृद्धि में फिर आपकी याद नहीं आती, फिर आपकी विस्मृति हो जाती, क्योंकि फुर्सत ही फिर आपका भजन नहीं होता, फिर कथा सुनने के लिए समय ही नहीं।
इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश संघ की कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारे रमण बिहारी बुलाते हैं, जिन्हें हमारे रमण बिहारी बुलाते हैं। अन्यथा इरादे तो बहुत लोगों के कि हम भी जाएंगे कथा में, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन आते वही चुनिंदा जिन्हें हमारे रमण बिहारी मांगे बिहारी। बलात खींच लेते हैं, जबरदस्ती खींच लेते हैं। बेटा तू आ कथा, तो श्री रमण बिहारी रमण बेदी में बैठे हैं। वही रमण बिहारी इस कथा में बैठे हैं, वही रमण बिहारी हमारे अंदर बैठे हैं, वही रमण बिहारी आपके अंदर बैठे हैं। तो आइए उस रमण बिहारी का स्मरण करते हुए और फिर आगे आनंद लेने का प्रयास करें। वैसे आपको सत्य बताएं, आज हमने सोचा कुछ और था लेकिन हो कुछ और रहा है। आज हमारी कल्पना से कुछ अलग ही हो रहा है, हमें खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो पता है कर तो हम कथा ही है, लेकिन ये कथा कहां से निकल रही है, कौन कह रहा है? और आज सोचा नहीं था कि आज हम ऐसी कथा करेंगे, ऐसे ये प्रसंग कहेंगे, लेकिन आज कुछ अलग ही एक आनंद हो रहा है। तो ये रमण बिहारी की कृपा है, तो आइए उनका भी वंदन करें, उनका स्मरण करें, क्योंकि मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी सूरत पे बलिहारी।